रहे हैं जेड टीवी न्यूज 24। गांव में साफ सफाई व्यवस्था चौपट, ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। मुरादाबाद जनपद के विकासखंड डिलारी के गांव सिडावली में साफ सफाई न होने को लेकर पुरुष और महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। सरकार भले ही स्वस्थ भारत अभियान चला रही हो, लेकिन धरातल पर परिस्थितियां विपरीत नजर आती हैं। सरकार ने गांव को स्वस्थ बनाने के लिए हर गांव में सफाई कर्मी नियुक्त किया है और साफ सफाई को लेकर काफी धनराशि भी सरकार द्वारा खर्च की जा रही है, लेकिन कुछ सफाई कर्मी आज भी अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं। और आज भी डिलारी ब्लॉक के कुछ गांव ऐसे देखने को मिल सकते हैं जहां सिर्फ साफ सफाई को लेकर कागजों में ही खाना पूर्ति की जा रही है। ऐसा ही एक मामला विकासखंड डिलारी के ग्राम पंचायत सिडावली का सामने आया, जहां साफ सफाई को लेकर पुरुष और महिलाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि लंबे समय से हमारे गांव में साफ सफाई नहीं हो पा रही, हर तरफ नालियां बंद और गंदगी के अंबार नजर आ रहे हैं, जिससे कि गांव में तरह तरह के डेंगू मलेरिया आदि बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया है कि इसकी शिकायत हमने कई बार सफाई कर्मी से की, लेकिन सफाई कर्मी इस ओर ध्यान नहीं देता, बल्कि उल्टा हमें धमकाकर चला जाता है। ग्रामीणों ने आगे बताया है कि गांव के प्रधान से भी हमने इसकी शिकायत की, लेकिन ग्राम प्रधान हमारी बातों को अनसुनी कर निकल जाते हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गांव में किस तरह की गंदगी ही गंदगी नजर आ रही है। ग्रामीणों ने आगे बताया कि अगर सफाई कर्मी कभी भी आता है तो गांव की गंदगी उठाकर नहीं ले जाता, ज्यादातर साफ सफाई हम अपने हाथों से करते हैं। अब देखना यह है कि ब्लॉक के अधिकारी या ग्राम प्रधान इस ओर ध्यान देते हैं या यूं ही स्वस्थ भारत अभियान को पलीता लगाते रहेंगे। वहीं ग्रामीण जिला पंचायत राज अधिकारी से सफाई कर्मी की शिकायत कर गांव से हटाने की कर रहे मांग। जेड टीवी न्यूज 24 डिलारी मुरादाबाद से संवाददाता अशरफ अली की रिपोर्ट। क्या नाम बताओ आपका? मुन्ना लाल जी, कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम सिडावली के। अभी आप लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, किस चीज को लेकर कर रहे हो? ये नाले हमारी साफ सफाई नहीं होती है जी। हम कहते रहते हैं अगर पूरा नाली साफ करके निकाल जाता है तो 15-15 दिन उठाने नहीं आता। अच्छा, और उठाने आता है तो कहीं छोड़ जाकर भर जाकर निकाल कर। अच्छा, तो कितने कितने दिनों के बाद सफाई कर्मी आता है? 15 दिन लग गया। अच्छा, ज्यादा भी लग गया। अच्छा, तो मतलब किस तरह की बीमारी होने का खतरा बना हुआ है? डेंगू है, डेंगू की बीमारी खतरा की जड़ है, तो मच्छर पैदा हो। क्या चाहते हो इसमें आप? सफाई चाहते हो। अच्छा, कभी शिकायत करी आपने इस चीज को लेकर? इस चक्कर है ना, कभी ग्राम प्रधान से बिलो? ग्राम प्रधान कहाँ सुने है? ग्राम प्रधान हमारे गांव का ही ना। ना सुनते हैं ना। क्या बोलते हैं अगर कभी कुछ बात होती है? अरे हमने कहीं ना आज तक कहो तो सुनवाई नहीं, तक कह दूंगा। क्या नाम आपका? जाकिर। कहाँ के निवासी हो? सिडावली, ग्राम सिडावली। अच्छा, अभी आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, किस चीज को लेकर कर रहे थे? सफाई के चक्कर में। सफाई नहीं होती यहाँ? सफाई नहीं हो पा रही। सफाई कर्मी आता नहीं है जी? आता है मगर वो चला जाता है, देख के लेकर चला जाता है। उससे कहते हैं मगर वो जो सुनता नहीं है, मुजोरी करता है। अच्छा, अच्छा, जिस तरह की गंदगी गांव में दिखाई दे रही है, तो किन की चीजों का खतरा बना हुआ बीमारी? ये तो बीमारी फैलने की जड़ है, ये डेंगू बन सकता है, और भी बीमारी बन सकती है सफाई से। हर चीज का कीड़ा आता है, काट लिया मक्खी ने बैठ लिया तो वहाँ से कोई नासूर भी हो जाता है, कोई सफाई नहीं हो पा रही है। उससे कहते हैं तो वो मानता नहीं है, मुजोरी करता है। बोले जाओ रफो मेरे नाम की वो कराई आओ FRI। तो क्या चाहते हो इसमें? हम तो वाले सफाई को चाहते हैं। सफाई को चाहते हो जी। मेरा नाम जो है जसवंत सिंह है। जसवंत सिंह कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ के सिडावली के रहने वाले। अच्छा, समय परेशानी क्या है? परेशानी है यहाँ कोई सफाई वाला कोई नहीं आता, अपने हाथ से निकालना पड़ता है तेरा कबाड़ा सबाड़ा, तू देख लो साहब ये पड़ा गंदगी। अच्छा, यहाँ तो सफाई कर्मी है तुम्हारे गांव में? तो सफाई कर्मचारी है भी तो यहाँ नहीं आ रहे, इस गली में कटे ही। कब से नहीं आए हैं यहाँ? महीनों भर हो गया होगा यहाँ आया होगा तो। अच्छा, आप देख लो घास खड़ी है, कोई एक दिन की घास तो है नहीं, तो कमी आएगी। अच्छा, तो क्या चाहते हो इसमें आप? अब हम तो ये चाहते हैं या तो इसकी सफाई होगा या दूसरा कर्मचारी भेजा इसकी, हमारे ये गंदगी सफा हो। अरे जिस तरह की गंदगी देख रही है हमें यहाँ पे, तो किस तरह की बीमारियाँ पैदा होने का खतरा? अरे भैया जाड़ा बुखार दुनिया भर के रोग चलेंगे, अब गर्मी का समय आ रहा है, मच्छर है, कीड़ा है। क्या नाम आपको? मैं पूर्व प्रधान नफीस अहमद सिडावली। आपके गांव सिडावली में काफी महिलाओं ने और पुरुषों ने सफाई को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, सफाई व्यवस्था बहुत बेकार हो चुकी है हमारे गांव की। जब हम प्रधान रहे तो हमने जो है सफाई पे बहुत ध्यान दिया गया और स्वस्थ भारत मिशन चला हमारे वहाँ पे, और स्कूल की कंडीशन देख लें, नालियों की कंडीशन देख लें, गाँव के अंदर मच्छर इतना फैल गया, ना दवाई का छिड़काव है ना सफाई का। सफाई तक कुछ कहते हैं गाँव वाले,
तो वो जो हेड जाता है एस सी का आदमी है तो वो बेचारे खामोश रहते हैं, लेकिन वो 8 दिन में एक बार आ गया, 10 दिन में एक बार आ गया, मजूरी करता है वो आदमी, लेकिन सुनता बिल्कुल नहीं है। प्रधान की इतनी कमी है, वो सैलरी निकलवा देता उसकी, लेकिन कोई भी अधिकार नहीं है सैलरी का जब तक जाँच खुद ना करे प्रधान जाकर। मैं स्वयं खुद जाँच करता था जाकर, मैं सफाई करी नहीं करी। अच्छा, जिस तरह से लोगों का कहना है कि यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से सफाई कर्मी नहीं आ रहा, और अगर सफाई के लिए उससे कभी कहते भी हैं तो वो उल्टा जो है उनके ऊपर जो है हावी हो जाता, कानूनी कार्रवाई का थोड़ा सा देता, धमकी देता वो, लेकिन हमारे गांव के निवासी बेचारे इतने सीधे सज्जन लोग हैं, वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते बिल्कुल भी, उससे कहने का अधिकार रखते हैं लेकिन वो सुनता नहीं बिल्कुल भी। वो ये कहता बोले जाओ मेरा कोई कुछ नहीं करेगा, अधिकारी कुछ नहीं करेगा। अच्छा, अधिकारी भी लापरवाही करते हैं संबंध में। अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं दुरुस्त जाँच की जाए पूरी ईमानदारी के साथ, और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, दोषियों को कार्रवाई की जाए, सफाई क्रांति को यहाँ से हटाया जाए।